नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शास्त्री और आज हम मौजूद हैं 10वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन में, जहां पर महान महान हस्तियां पहुंची हुई हैं और अपने विचार रख रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस मंच पर आकर वो कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार जी, आपका 10वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन में स्वागत है। आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, आज हम नहीं आ रहे हैं, बहुत पहले से, शुरुआत से, जब से शुरू हुआ है अखिल विश्व भोजपुरी सम्मेलन, तब से हम आ रहे हैं जी। आज भी आए हुए हैं हाँ। तो अच्छा फील कर रहे हैं पहले से, तो अभी फिलहाल जो है अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि जितने कार्यक्रम हुए कल जी। अच्छे अच्छे गायक जो भी गाने वाले थे, जिसको लोग कह रहे थे जी गंदा गाते हैं, ये करते हैं, लेकिन कल इस मंच पर अच्छे अच्छे लोग गीत गा करके अपना ये किया, प्रस्तुति किया। चूंकि कल देख कल साहित्य था, तो साहित्य में मोस्टली लोग, कवि और जितने भी साहित्यिक लोग थे, वो लोग आए थे, उनको सुनने के बाद कैसा फील करते हैं आप? देखिए, साहित्यिक और कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी, ये तो विद्वान लोग हैं देश को, देश में जो है, और अपनी बातों को ये लोग रखते हैं, तो इन लोग की बातों से शिक्षा लेनी चाहिए, एक संदेश जाता है लेखनी से, इन लोग की कविता से जी। तो इस तरह का जिस जहाँ पर प्रोग्राम हो, वो बहुत बड़ा इति होता है लोगों के लिए। जैसे कि आप भरत शर्मा जी एक ब्रांड हैं आप, क्योंकि भोजपुरी में भरत शर्मा जी को बहुत ही बड़ा सिंगर माना जाता है, तो आपने भी वहाँ अपने विचार रखे, तो आप इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोग हमको बड़े मानते हैं, हम अपने को बड़े नहीं मानते, हम तो एकदम मिट्टी से जुड़े हुए, एक तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन देहाती है, इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, ठीक है, ठीक है कि हर कोई जानता है। तो आपका मैसेज इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, हम तो शुरू से, आज 46 वर्ष हो गया गाते हुए, और शुरू से ही हमने यही चाहा कि भोजपुरी में जो भी हो, साफ सुथरा हो, अच्छे अच्छे लोग गाना लिखे, अच्छे अच्छे लोग गाना गावें, अच्छे लोग सुने, और भोजपुरी में थोड़ा भी अश्लीलता आती है, सुनते हैं हम लोग तो लगता है ये कोई गोली मार दिया सीने में। बिल्कुल सही, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भोजपुरी अश्लीलता की भाषा है, ही मानते हैं हाँ। हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं भोजपुरी माने अश्लील हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा है, हमारी भोजपुरी इतनी समृद्ध बोली है, भाषा के दर्जा नहीं मिली है अभी तक, ये तो हमारी, ये हमारा दुर्भाग्य है। और संविधान के 8वीं सूची में कितना दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भोजपुरी के 8वीं सूची में दर्ज किया, शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक कहाँ अड़ंगा है और कैसे क्या कहा जाए, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, हम लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि अभी मोस्टली देखा जाता है कि भोजपुरी को थोड़ा सा डबल मीनिंग में माना जाता है, जो सिंगर गाना गा रहे हैं वो डबल मीनिंग गाना गा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? डबल मीनिंग क्या है? डबल मीनिंग कुछ नहीं है, लोग तो आज तो इतने गा रहे हैं एकदम डायरेक्ट, सब जो है सब का उपमा कभी रहे जुठारी, ऐसा कोई शब्द नहीं है बचा है कि लोग यूज नहीं कर दिया है। डबल मीनिंग क्या है? तो डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट कर रहा है लोग, पहले डबल मीनिंग का मतलब वो जो छुपा रहे जी। जैसे कबीरदास जी ने लिखा है जी। कबीरदास जी डबल मीनिंग उसमें है कि इसमें अब ही उमर मोरी बारी रे आइल गवनवा कि साड़ी, अभी शब्द को, इस लाइन को आप लेकर के डबल मीनिंग लगाइए जी, अभी ये गौनवा की साड़ी है कि कौन गौनवा की साड़ी है, आज तो एकदम डायरेक्ट शब्द लोग कह रहा है, इतना कि हम सुन नहीं सकते हैं, अपने परिवार में तो कोई सवाल ही नहीं है जो हम परिवार में ले जा करके आज करके गायकों का गीत सुनावे हम। आजकल तो देखते हैं जे किसी कोई प्रोग्राम बड़ा होता है, उसमें कोई लेडीज नहीं जाती है, डर से कहते क्या गा देगा लोग, लेकिन हम लोग के प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है, हम लोग के प्रोग्राम में आज भी लाखों लोग जुटते हैं, 50,000 लोग जुटते हैं, उसमें आधा लेडीज रहेगी सुनने के लिए आती है, तो हम अब हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं जे हम लोग उस तरह से नहीं गाए, और कभी भी अपने एथी से एथी नहीं समझौता नहीं किया जी। हाँ,
इस बारे में आपको सम्राट बोला जाता है भोजपुरी का, अब कि आपने जो गाया है अच्छा गाया है और एक सामाजिक, देखिए सम्राट लोग बोलते हैं, हम अपने को कुछ सम्राट नहीं बोलते अथी करते हैं। आज तो जितने गायक होते हैं ना, वो उनके पीछे लिखा हुआ रहता है, जो स्टार, ये स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार, गोल्डन स्टार, ये स्टार, हम लोग कभी भी हम लोग नहीं लगाया भरत शर्मा व्यास बस। सर वो तो ठीक है, क्योंकि आपका नाम है, आपने इस तरह का गाया है, तो आप तो खुद में ही, अपने आप में ही, दूसरे लोग बोले तो अच्छा लगता है ना। अब खुद ही आप लगा लें सम्राट तो मजा नहीं आएगा, लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लोग लगाते हैं, लोग अपने लगा लेते हैं। और ऐसा ही, इतना ही नहीं है जी, आज जितने हमारे भोजपुरी में अश्लील बलगर गीत गाए हैं आज के 10-15 वर्ष पहले तक, अभी तक वो लोग आज हीरो हो गए हैं, सब लोग हीरो हो गए हैं, और यहाँ तो फैलाए हैं, वहां भी जाकर के वही काम कर रहे हैं। आज एक समय था, एक जमाना था कि बैलगाड़ी में बैठ करके औरतें जाती थी फिल्म हॉल तक, तीन कुछ चार कुछ जाती थी लोग देखने के लिए फिल्म में, लेकिन आज लोग कोई जाता ही नहीं है कि क्या जाने क्या दिखा देगा लो, अपना कोई कल्चर की बात होती नहीं उसमें, ना उसमें खपड़पोश घर है, ना मिट्टी का घर है, ना वो पलानी है, ना द्वार पर खटिया है, ना वो चारा कल है, ना टूटी पलानी है, ना एथी है, कुछ नहीं दिखता है, ना बाग बगीचा है। ये लोग जाकर के लंदन में भोजपुरी फिल्म, लंदन में जाके स्विमिंग पूल का शूटिंग करिएगा तो हम हिंदी नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम तो भोजपुरी देखने जब जाएंगे तो भोजपुरी की उसमें कल्चर देखेंगे, बात देखेंगे कि उसमें है कि नहीं। अब पहरावा को ले लीजिए, अभी तक हम लोग माँ दादी का पल्लू जो है अभी घूंघट में रहता है लोग अभी भी, और देखिए हीरोइन फिल्म में, आज के फिल्म में सब लोग एकदम पहला हुआ, एकदम थी करके रहती है लोग, आधा वो पैर उघार है तो नंग पूरा बॉडी उघार है, ये हमारा कल्चर है। नहीं सर, क्योंकि मैंने देख ली वो नदिया के पार एक फिल्म, और अब श्रोता रह गए हैं, अब रिक्शा वाला ठेला वाला ये सब रह गए सिनेमा के, हम लोग गा रहे हैं जैसे लोग। पहले भी फिल्म बनती थी, देखिए उस समय के जितने गाना है आज भी लोगों की जुबान पर है, आज भी, और आज महीना में 4 फिल्में आती है, एक भी गाना किसी की जुबान पर नहीं है। एक आया अभी सुने, पियावा से पहले हमारा लू तले दूसरा रागुल, तीसरा रागुल, करुआ तेल आगुल, तई तेल आगुल, तो आगुल, यही तो है आज कल की, बताइए। तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज क्या, देखिए मैसेज मैं यही करता हूँ, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ गायकों से, गीतकारों से, और खास करके श्रोता बंधु से, ये गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से एक समाज में एक संदेश जाना चाहिए, कुरुति कुरुति जितनी कुरुतियाँ हैं उस पर ही होना चाहिए, हाँ, कि उसको हम बढ़ावा दें, और आग में घी डालेंगे, अब हम बढ़ेगा जिस चीज को, हम देखिए हम बाथरूम में नंगा स्नान करते हैं जी। बाथरूम में नंगा स्नान करते हैं तो बाहर भी बैठकर नंगा स्नान करेंगे, जगह है ना कि किसी बात को कभी भी कहेंगे। तो मैं आग्रह करता हूं अपने गायकों से, जितने गाते हैं, गायक गाए हैं, लिखते हैं, गीतकारों से, और खास करके श्रोता बंधु से, जिस तरह से गीत नहीं लिखे, नहीं गावे और नहीं सुने जी, क्योंकि हमारी भोजपुरी की आन बान शान बनी रहे और अपनी मर्यादा में रहे जी। तो जैसे कि अभी ये सम्मेलन किया जा रहा है, सम्मेलन में अपनी भोजपुरी को आर्थिक सूची में शामिल करने के लिए भी कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो मैं बहुत बार कहा आप लोग के माध्यम से, और चारों तरफ से हमारे बड़े बड़े मान विभूति बैठे हुए हैं, कभी कभी जी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी चारों तरफ ही करते हैं, हम लोग भी अपने गीतों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, दुख की बात है जो कई कई प्रधानमंत्री हमारे हुए भोजपुरी में, और आज भी बहुत शीर्ष पर मंत्री बैठे हुए हैं भोजपुरी के, राष्ट्रपति जी भी हमारे, हाँ, अब तो हाँ, बहुत दुख की बात है, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, हाँ, हिंदी को लोग बोल रहा है जी हिंदी एती हो जाएगा भोजपुरी होने से, ये कौन बोलता है भाई, हम तो हिंदी बोल रहे हैं, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है, हम हिंदी बोल रहे हैं, तो और तो गौरवान्वित होता ही, इसका बढ़ावा और बढ़ेगा, ये राष्ट्रभाषा है, हम सम्मान करते हैं हिंदी का, लेकिन अपनी मातृभाषा को हम कैसे छोड़ देंगे जी।
तो हम आग्रह करेंगे, सरकार से भी कहेंगे कि हमारे भोजपुरी को आठवीं संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो देखा दर्शकों, अभी हमारे बीच में भरत शर्मा व्यासी थे जिन्होंने अपने विचार रखे, जो आज 10वां विश्व सम्मेलन हो रहा है भोजपुरी का, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद है। इसी के साथ दिल्ली से अजय शास्त्री के साथ अजय सिंह।